नमस्कार। आज डॉक्टर स्पेक्ट्रा फैमिली ने यूट्यूब पर 200 अवेयरनेस और फीडबैक वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज कुछ टिनाइटिस से ठीक हुए पेशेंट्स के फीडबैक सुनते हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी। उनको इरिटेशन होता था, हेड हेवीनेस होता था, कॉन्सेंट्रेट करने में इश्यूज होते थे। ऐसी ही कुछ समस्याएं उन्हें होती थी। उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा जिनको टिनाइटस की प्रॉब्लम है या कान में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जिनकी वजह से वो परेशान रहते हैं, तो आप ज़रूर से डॉक्टर स्पेक्ट्रा की टीम से मिलें और डिवाइस लें, जिससे बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर स्पेक्ट्रा की टीम को, जो मुझे बराबर रेगुलर मेरा फीडबैक लेते हैं। और मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ है कि मैंने मशीन ले करके कोई गलती करी है, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो टीम मैनेजमेंट है डॉक्टर स्पेक्ट्रा का, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि समय समय पर मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि कितने समय तक मैं वो ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मुझे कितना परसेंटेज मुझे इसमें रिलीफ मिला है। तो ये बहुत मैनेजमेंट काबिले तारीफ है इनका काम। तो मैं आप सभी पेशेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर ज़रूर ये लें, डॉक्टर स्पेक्ट्रा की टीम से कांटेक्ट करें और ये मशीन जो डिवाइस इन्होंने बनाई है वो ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा जो है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर टिनाइटिस ट्रीटमेंट। और इसके अलावा तो मैंने और कहीं पर टिनाइटिस को ट्रीट होते हुए ठीक से देखा नहीं है, क्योंकि मैंने सब नेगेटिव ही पढ़े। एक डॉक्टर स्पेक्ट्रा का मैंने जो पढ़ा था, उसके सारे पॉजिटिव कमेंट्स पड़े हैं जितने भी मैंने, और वीडियोस भी देखे हैं तो वो भी सारे पॉजिटिव हैं। मैंने आपके पेशेंट से भी बात करी है, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और एक एग्जांपल तो यही है, मेरी मदर जो इनको मतलब बड़ी मतलब आराम मशीन लगाते ही इनको आराम शुरू हो गया। उनको यही मैसेज है कि आप ज़्यादा ENT के पीछे तो मत ही जाओ, क्योंकि वो लोगों के पास नहीं है सोल्यूशन। और ये डॉक्टर स्पेक्ट्रा का जो सोल्यूशन है, उससे मुझे तो फर्क पड़ा है काफ़ी। और मतलब काफ़ी पेशेंट्स के इतने फीडबैक हैं और वो फेक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इतने पेशेंट्स का जो फीडबैक है, तो इन पर थोड़ा ट्रस्ट करके आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम है बताइए। तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, मतलब मुझे इससे काफ़ी फर्क पड़ा है अभी। मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर पाता था या कुछ भी करने का मन नहीं होता था, अब तो मुझे काफ़ी बेटर है। तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार ये ट्राई करना ज़रूरी है। मतलब किसी को भी टिनाइटिस का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर स्पेक्ट्रा से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच हर्ष। अभी वो तो मैं सही में बोलता हूँ कि आप डॉक्टर स्पेक्ट्रा को सर्च करिए और जो भी है आप दूसरा डॉक्टर को बात बताइए और ये डिवाइस आप ले लीजिए, आपको 100% सही हो जाएगा। भले कितना भी पहले पुराना आपको ये टिनाइटिस का प्रॉब्लम हो, लेकिन सही हो जाता है। मैं सर एक बात करना चाहता हूँ, एक मैं वीडियो आपका देखा था, ये लगभग बॉम्बे का एक औरत था, उसको भी 6 साल से यही प्रॉब्लम था। तो मैं उसका वीडियो सुना था, तो वो वीडियो से मेरे को दिमाग में ऐसा घुस गया कि नहीं, कैसे भी ओके करवाना है, कितना पैसा हो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये करवाना है। वो मुस्लिम औरत थी, उसने आपका वो वीडियो डाला था आप यूट्यूब में, तो मैंने वीडियो देखा था एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको 6 साल से था ना, तो मैं सच मान लिया, चलो मेरे को भी 6 साल से है, तो मैं भी ये ट्रीटमेंट 100% लूंगा। तो अभी आज मैं ठीक हूँ, मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी पर्सनली मेरा ये मानना था, जब तक आप लोग मुझे नहीं मिले थे, कि मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर हो जिससे मैं क्या फील कर रही हूँ हर टाइम पे कनेक्ट रह सकूँ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आओगे तो आपको फील होगा कि आप कभी भी प्रॉब्लम में हो आप कनेक्ट हो सकते हो। आप स्पेशली आपसे आप हमेशा बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कभी कोई प्रॉब्लम होगी अगर यहाँ पे कोई ट्रीट कराने आएगा। और आई एम श्योर कि ठीक तो हो ही जाते हैं, लेकिन कि कोई अगर डॉक्टर अगर आपके साथ हमेशा है और आपको सही गलत बता रहा है, दैट्स वेरी बिग थिंग इन टुडे सिनेरियो। बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच प्राची।
मैं तो ये कहूँ जो पेशेंट इस इलाज का बीमारी का होगा तो और कहीं मत जाना, डॉक्टर इंस्पेक्टर दिल्ली से या चंडीगढ़ में है, वहाँ अब इसका पहुँचने से पता चलेगा कितना लाभ है। आदमी जब अंदर पहुँचता तभी पता चलता है, रास्ते में नहीं पता चलता। ये अच्छी बात है, आप जो भी जाएगा इसी मशीन से ही ठीक होता है और इससे अलावा इलाज भी नहीं है, जिस आप दवा दुआ से कुछ नहीं फर्क पड़ता, और इसके दवा खाने से शरीर का नुकसान बहुत ज्यादा है, इससे मशीन से कोई नुकसान भी नहीं और फायदा इससे ज्यादा। ठीक है, अच्छी बात है, आपने भगवान की कृपा से आपने जो ये मशीन बनवाया बड़ी अच्छी है और बड़ा आपका धन्यवाद है और शुक्रिया करता हूँ आपका बहुत बहुत। अभी तक आप डॉक्टर स्पेक्ट्रा से ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कहता है आपका? मुझे मतलब 3 महीने और अराउंड 10 डेज हो रहे हैं, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। शुरू में मतलब आपके जब डिवाइस लिया था उस टाइम तो हर तीन दिन तक कॉल आते थे और मैम पूछती थी कि कुछ कैसा डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से कुछ चेंजेस बताते थे। उसके बाद फिर मेरे को हर वीक कॉल आता है और मैम पूरा फीडबैक लेती हैं, कुछ इश्यूज हो तो उस टाइम मैं बता देता हूँ या फिर वो मतलब एनकरेज करती हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज में या कुछ डाउट है तो तुम कभी भी कॉल कर सकते हो थ्रू आउट द वीक, वेट मत करो मेरे कॉल करने का, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। तो वो भी उस हिसाब से अच्छा है कि मतलब कभी भी कॉल कर सकते हैं, कुछ डाउट्स हो या कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देते हैं उसी टाइम, काफी हेल्पफुल है। एक बार मेरी डिवाइस में भी कुछ थोड़ा इशू हो रहा था तो मतलब मैंने रात में कभी मैसेज किया था 7-8 बजे, तो उस टाइम में मतलब मेरे को काफी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल गया था और मतलब कुछ सोल्यूशन मिल गया था कि डिवाइस कैसे मतलब उसको कैसे ठीक करूं मैं, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा है। मतलब जब जिस टाइम पर भी कुछ क्वेरी हो या कुछ इशू हो तो आप उसी टाइम इंस्टेंटली उसका सलूशन देते हैं। मेरे को लगभग एक्चुअली देखेगा तो ये पहले 6 साल से लगभग 2011 से मेरे ख्याल से है, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पिछले 6 साल से तो बहुत था ज्यादा ट्रीटमेंट तकलीफ था। ओके, तो अभी मैंने लगभग अभी मैंने 15 से 16 महीना हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, तो अभी मैं फिलहाल लगभग तो 100% जैसा बराबर है। ओके, हमारे पास में इस बीमारी के कारण से आए थे और जो भी कई जनों को हम पूछ भी चुके हैं तो वहाँ पर जो है कि आपका नंबर दिया, हमारे बात से अगर विश्वास नहीं हो उनको तो उस तरह से हम मशीन भी दिखाए हैं और बोले कि हम अच्छे अच्छा हो रहे हैं और आगे अच्छा हो जाएंगे, आपका नंबर भी दिया है, डॉक्टर साहब का भी नंबर दिया है और प्रशांत सर का भी नंबर दिया है कि कम से आप जो है कि पूछ लीजिएगा और जानकारी आप ले लीजिएगा। आप भी अगर टिनाइटिस से परेशान हैं या आपके नोन में कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर जो इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, उन्हें आप डॉक्टर स्पेक्ट्रा के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और इनकी और अन्य ठीक हुए पेशेंट्स की तरह आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।